तो दोस्तों यहाँ पर मैं प्याज को छील रही हूँ। साइज में थोड़ी बड़े साइज के प्याज लीजिएगा। एकदम छोटी साइज के प्याज से हम पकोड़े अच्छे से नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इनकी जो हम कटिंग करेंगे बारीक नहीं करके लंबी साइज में हमें करनी है। मैं आपको करके बताती हूँ। तो दोस्तों प्याज को हम इस तरीके से लंबी साइज में चॉप करेंगे। तो इसी तरीके से हम सारे प्याज कट कर लेते हैं। दोस्तों प्याज मैंने कट कर लिए हैं, तो हाथों से इन्हें थोड़ा मसल लेते हैं, ताकि ये जो हमने कटिंग की है तो इसके ये जो पीसेस हैं अलग अलग हो जाएं। तो अब इस तरीके से मसलेंगे हल्का हल्का, तो ये अलग अलग हो जाएंगे। अब इसी में दोस्तों हमें क्या करना है, हरी मिर्च भी चॉप करके ऐड करनी है। तो बारीक साइज़ में मैं इसमें हरी मिर्च भी ऐड करूँगी। अगर आप तीखा पसंद करते हैं दोस्तों तो हरी मिर्ची की क्वांटिटी ज़्यादा रखिए, अदरवाइज एक दो मिर्ची काफ़ी होगी। दोस्तों अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर लहसुन और अदरक की पेस्ट डाल रही हूँ। आप अगर लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। दोस्तों मैंने 2 चम्मच जितनी अदरक लहसुन की पेस्ट ली थी। अब इसके अंदर दोस्तों मैं 1 छोटी चम्मच जितना जीरा, 1 चम्मच जितना नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। दोस्तों मैं ज़्यादा मिर्ची इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैंने हरी मिर्ची इसमें डाल रखी है पहले से ही। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच ही हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। ज़्यादा क्वांटिटी में धनिया नहीं डालना है। अब दोस्तों सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब दोस्तों सबसे ज़रूरी चीज़ भजिया में होती है बेसन। तो अब हम इसके अंदर 1/2 कटोरी मैंने बेसन लिया है, तो वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और इसे मिक्स कर लूँगी। आप देख सकते हैं अभी बेसन हमारा सूखा लग रहा है, तो ऐसे में हम भजिए नहीं बना सकते। तो इस पर हम पानी के छींटे मारते हुए एक भजिए के लिए डो तैयार करेंगे, जो कि ना गीला होगा और ना टाइट होगा। तो ध्यान रखिएगा, पानी को हमें केवल छिड़कना है, सीधे से आप इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, बस हल्का हल्का पानी छिड़कते जाइए और पकोड़े का जो मिक्सचर तैयार करना है वो हमें इसी कंसिस्टेंसी में करना है। तो आप देख सकते हैं 2-3 बड़े चम्मच जितना ही पानी हमारा इसमें लगा है। दोस्तों प्याज के भजिए के लिए हमारा जो मिक्सचर है बिल्कुल तैयार है। तो अब आइए इसे शुरू करते हैं फ्राई करना। दोस्तों भजिया बनाने के लिए मैंने तेल गैस पर रख दिया है, तो अंगुलियों को थोड़ा सा हम गीला कर लेंगे और फिर इस तरीके से मिक्सचर को लेंगे, हल्का हल्का हाथों से इसको दबा लेंगे और फिर हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हमें इन्हें फ्राई होने देना है और एकदम बढ़िया क्रिस्पी फ्राई करना है। दोस्तों पलटते हुए हमें इन्हें फ्राई होने देना है। तो आप देख सकते हैं फटाफट से भजिया हमारे तैयार हो रहे हैं। तो बारिश का सीज़न हो या हमारी इवनिंग की छोटी छोटी भूख, उसमें आप ये स्नैक्स ज़रूर बनाएं। तो दोस्तों भजिया हमारे फ्राई होकर के बिल्कुल तैयार हैं। आप देख सकते हैं इनका कलर कितना बढ़िया आया है और एकदम क्रिस्पी भी ये हो चुके हैं। तो इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरीके से सारे भजिए हम बना करके तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए कितने क्रिस्पी हमारे प्याज के भजिया बिल्कुल तैयार है दोस्तों। तो फटाफट से हमने इन्हें बना लिया है। अगर दोस्तों आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो अपना कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।